संतों ने हमेशा से अनेकता में एकता लाने का प्रयास किया है। भारत के महान प्रधानमंत्री, जिस प्रकार असंभव कार्य कहा जाने वाला धारा 370 आराम से तोड़ दिए, बहुत जल्द भारत अखंडता की ओर आ रहा है। संतों ने हमेशा से अनेकता में एकता लाने का प्रयास किया है। भारत भूमि प्रारंभ से ही एतद् देश प्रसूतस्य सकात अग्रजन्मनः, यहाँ का एक एक नागरिक दुनिया को ज्ञान देने में सक्षम रहा है। इसीलिए भारत विश्व गुरु जगत गुरु कहलाता है। हमारे अखंड भारत का जो भूभाग है वो यथावत कायम है। वो विभिन्न राजनीतिक कारणों से विभाजित हो गया था, लेकिन एक बार फिर से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तौर पर एक करने का प्रयास हम लोगों ने उठाया है और अखंड भारत की यात्रा जारी है। राजनीतिक स्तर से भी इसके प्रयास होंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के महान प्रधानमंत्री, जिस प्रकार असंभव कार्य कहा जाने वाला धारा 370 आराम से तोड़ दिए और वहाँ शांति व्यवस्था कायम रही और आज भारत में दो निशान नहीं हैं, दो झंडे भी नहीं हैं, दो विधान भी नहीं हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम टेंट में रह रहे थे और ये भी एक जटिल कार्य लग रहा था, लेकिन हमारे माननीय अदालत सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और उसको हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने पूरे लगन के साथ, निष्ठा के साथ उसको क्रियान्वित किया और कुछ महीनों के अंदर इतना विशाल मंदिर बनकर तैयार हो गया, जिसका हम लोग आज दर्शन करके धन्य हो रहे हैं। सारी दुनिया दर्शन करने को आ रही है, लोग सुन सुन करके धन्य हो रहे हैं। भारत की महिमा आज आकाश छू रही है। तो उसी प्रकार से भी भारत को अखंड होने के लिए भी शंका न किया जाए, बहुत जल्द भारत अखंडता की ओर आ रहा है।